What's up guys, कैसे हो आप लोग? वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो. दिस इज वॉट आई कॉल एज अ टिपिकल बहाना राइड. कोई रीज़न नहीं है बाइक चलाने का, जस्ट बिकॉज न्यू बाइक है, बाइक चलाने का दिल कर रहा है, सो इसलिए बाइक को लेके जा रहा हूँ KTM सर्विस सेंटर. बाइक की चेन थोड़ी सी लूज लग रही थी, एक क्रैकलिंग नॉइज मचा रही थी, तो होपफुली उसको थोड़ा टाइट करा लेंगे तो ठीक हो जाएगा. बट एक्चुअली कोई मेजर रीज़न है नहीं, जस्ट राइड आउट करने का दिल कर रहा है. सो द सर्विस सेंटर इज इन भुंटर, अबाउट 20 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द प्लेस आई स्टे. क्रीमी हाईवे, वहाँ चलते हैं, बाइक की चेन ठीक कराते हैं और वापस आते हैं. दिस इज आर ADV 390, दैट इज रेडी टू गो. एंड यहाँ पे ना टेम्परेचर अच्छा खासा ठंडा है इस समय भी. द सन सेट्स राइट बिहाइंड दैट माउंटेन एट 3:45 PM. डेली का सीन है, 3:45 सन उसके नीचे जाता है एंड छाया जाती है. छाँव में तो अच्छी खासी सर्दी लगती है. टेम्परेचर राइट नाउ इज़ अबाउट 10 डिग्री सेल्सियस एंड रात को अच्छे से अराउंड 3-4 डिग्रीज तो जाता ही है. एंड अगले हफ्ते होपफुली बर्फ़ भी पड़ेगी. सो थोड़ा सा रीज़न ये भी है आज राइड करने का कि आई वॉन्टेड टू टेस्ट आउट के ठंडे वेदर में मुझे क्या पहनना चाहिए यहाँ पे राइड करने के लिए. तो आई एम एक्चुअली वेयरिंग अ डाउन जैकेट अंडरनीथ माई राइडिंग गेयर. चलो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके वी आर रेडी एज दे से. 646 किलोमीटर्स, दैट्स द ओडोमीटर रीडिंग. द सर्विस इज एट 1000 किलोमीटर्स. सो होपफुली आई थिंक 2-3 दिन में हम सर्विस करवाएंगे. सेना कनेक्ट करना भूल गया, 100 से आप पे होते हैं यार राइड करने के. सो दिस इज द व्यू. देयर इज अ मोनेस्ट्री राइट बिसाइड्स द अपार्टमेंट. टाइम इज 4:17. आई हैव 30 मिनट्स टू रीच दैट प्लेस. ये यार KTM में ये थोड़े समझ नहीं आते मुझे, अजीब से हैजार्ड से साइन क्या चलते रहते हैं. अब ये क्यों चल रहा है मुझे नहीं पता, ये वाला साइन, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस, आई डोंट नो. सो अभी पूरा 6-7 किलोमीटर्स का डिसेंड है फ्रॉम माय प्लेस टू द मेन कुल्लू मनाली वाला जो हाईवे होता है ना वहां तक, एंड उसके बाद से प्रॉपर वो 4-लेन हाईवे चालू होता है. And way down we go. And अभी जो मैंने लास्ट वीडियो डाला था ना, आई गॉट टू नो वो फुटेज सारी रिव्यू करने के बाद, when I was riding on the highway, wind blast audio को इतना खराब कर रहा है ना इस समय. थोड़ी सी ऊंची विंडस्क्रीन का जुगाड़ करना पड़ेगा. I have to find one. I'm still contemplating कि कौन सी विंडस्क्रीन के साथ जाना है. Although you guys are able to hear me, but जो बाइक की जो ग्रंट है ना वो नहीं सुनाई देती. हल्का फुल्का जो भी बाइक आवाज़ करती है सिंगल सिलेंडर. एंड एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, जो 2022 मॉडल है ADV 390 का, इसमें आई डोंट थिंक देर इज दैट मच ऑफ अ स्टॉलिंग इशू जो मैं बहुत ज़्यादा सुन रहा था व्हेन आई वाज फाइनलाइजिंग ऑन दिस मशीन कि ये बाइक लो गियर्स में स्टॉल करती है. बिकॉज आई वॉज एबल टू राइड दिस pretty comfortably at lower speeds, say around 30 km/h on third gear. यार normally अगर engine tractability की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि sixth gear में अगर around 65 km/h चल रही है, 60-65 maintain है without any major knocking, तो bike काफ़ी linear power delivery दे रही है, ऐसा कुछ stalling वाला issue नहीं है. And lower gears में आप 25-30 चला रहे हो तो सेकेंड थर्ड में आपका काम चल रहा है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही फर्स्ट में आना पड़ता है. तो टिल नाउ इन द 649 किलोमीटर्स डेट आई हैव रिडन, अभी तक बाइक एक बार भी स्टॉल नहीं करी है टचवुड. अगर ऐसा कुछ इशू होता तो मैं डेफिनेटली उसे फील करता, क्योंकि आई एम कमिंग फ्रॉम मोटरसाइकिल दैट इज़ वेरी वेरी ट्रैक्टेबल, उसका लो एंड बढ़िया है बिकॉज आई वॉज राइडिंग दैट ट्रिपल सिलेंडर इंजन एंड उसकी लो एंड पे जो ट्रैक्टेबिलिटी होती है वो बहुत बढ़िया होती है. सो फार आई डोंट थिंक देर इज एनी मेजर स्टॉलिंग इशू एटलीस्ट इन द 2022 मॉडल. आई हैव रिडन अ ड्यूक 390 बिफोर, वो मैं 2-3 बार स्टॉल करी थी मैंने, मेरे को याद है, इफ आई रिमेंबर करेक्टली.
बट ADV390 में तो आई डोंट थिंक सो है वो इशू. एंड यहाँ पे जितने भी आपको ट्रीज दिख रहे हैं ना आसपास, दीज आर ऑल एप्पल ऑर्चर्ड्स, एप्पल ट्रीज. थोड़े एक दो यहाँ पे हेयर पिन बेंड्स भी हैं बाइक को लीन करने के लिए. एंड सम गुड स्ट्रेचेस एज वेल टू गेट ओपन ऑन द थ्रॉटल, राइट. सो घर से बाहर निकलते ही ट्विस्टीज चालू हो जाते हैं. दैट इज वन बिग टिक मार्क बाय गॉड्स ग्रेस. वेट नहीं करना पड़ता 600-700 किलोमीटर्स बाइक चलाने के लिए कि तब जाके पहाड़ आएंगे. इट्स अ नाइस चेंज यू नो. बट लिविंग हेयर इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री हैज इट्स ओन चैलेंजेस एंड वील गेट टू एक्सपीरियंस देम फर्स्ट हैंड बिकॉज इट्स द फर्स्ट प्रॉपर विंटर दैट आई विल बी स्पेंडिंग इन द माउंटेन्स. That is the Bias River for you. Oh, on the floor. I'm really waiting for the crash guards to reach me. Order kar diya hai, crash guards aayenge to off-roading bhi karenge yaar. Thodi bahut saddling na easy ho jayegi. Rafting ho rahi hai. I'm not sure if you are able to see it. Just below this. Saamne dekho, wahan bhi ho rahi hai. एक ना यार 4:30 PM पे मेरी ऑफिस की कॉल है. आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस. वो आज तक कभी नहीं हुई. आज जब मैंने डिसाइड किया है कि बाइक लेके मैं निकलूँगा और अज्यूम करूँगा कि वो कॉल नहीं होती, आई होप वो कॉल ना हो. इवन इफ इट हैपन्स देन आई विल ट्राई टू जॉइन इट ऑन माई सेना द ब्लूटूथ इंटरकॉम. ओहो यार मजे आ रहे हैं मजे. ये बाइक जब खुलती है तो अलग सा ही मजा आना शुरू हो जाता है यार. कुछ तो बात है. गुर्र ऐसे करके इसका एग्जॉस्ट होता है. गुर्र बड़ी बाइक्स का होता है वू 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 वू. इसका है गुर्र GS रिटर्न का था पड़र. क्या फ्लिकेबिलिटी है यार. एंड हियर वी आर ऑन द हाईवे. हॉर्न पुंगी है इसकी, पुंगी पी 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 पी. हॉर्न अपग्रेड कराना पड़ेगा बट मैं डेनाली का हॉर्न नहीं लगवाना चाहता इस पे क्योंकि डेनाली का हॉर्न ना वो ही भोपू टाइप की आवाज़ लगती है उसकी. मुझे पर्सनली मुझे ऐसा लगता है वो. सो आई विल मोस्ट प्रोबेबली गेट अ थर्ड पार्टी हॉर्न जो अमेजोन पे अवेलेबल होता है. बॉश का मिलता है, हेला का मिलता है. सो आई विल गेट दैट ट्विन हॉर्न सेटअप. But at the same time, I need to be a little careful because from what I know, ADV390 की बैटरी कुछ बहुत ज़्यादा बड़ी वाली नहीं है. उसकी कैपेसिटी इतनी बड़ी नहीं है कि वो बहुत सारी चीज़ें हैवी लोड वाली सपोर्ट कर सके. As it is, it will be supporting the Mad Dog Alpha Lights, which I have already shown you. ऐसी रोड मिल जाना यार तो लिटरली दिस इज अ राइट गैजम. सो 2.5 किलोमीटर अवे फ्रॉम भुंटर एयरपोर्ट. सो गाइस दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शो यू. देखो थर्ड गियर पे 23, 24, 22 पे भी हैं हम. एंड इंजन में से एक हल्की सी माइल्ड नॉकिंग की आवाज़ आ रही है बट इतनी ज़्यादा नहीं है. वो बाइक झटके नहीं मार रही, दैट इज़ द बिगर थिंग. अंदर से नीचे से आवाज़ हल्की फुल्की आए दैट इज़ ओके, बट स्टॉलिंग का तो कोई सीन लग ही नहीं रहा है. आई डोंट फील लाइक के मुझे चलाते समय ना फील हो जाता है कि स्टॉल होने वाली है बाइक की नहीं. एंड आई डोंट सी के बाइक इस समय इस स्पीड पे स्टॉल करेगी. थर्ड गियर हल्का सा फ्लैट रोड ही है, कोई डिसेंट तो है नहीं. एंड लुक एट द व्यू. सो थर्ड गियर 24, 25, 27 इज़ नॉट एन इशू. क्या चाहते हो थर्ड गियर में 10 पे क्रॉल करें? आई डोंट थिंक सो ऐसा कोई करता है. बट आई थिंक डेफिनेटली देर इज सम सॉर्ट ऑफ ट्वीकिंग दैट KTM हैज़ डन इन द 2022 मॉडल एटलीस्ट.
कि बाइक आराम से क्रॉल कर लेती है लो स्पीड्स पे एंड सीधे फर्स्ट गियर में आने की जरूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज दैट इज व्हाट आई रेड ऑन द फॉर्म्स बिफोर व्हाइल आई वाज इवैल्यूएटिंग द मशीन, कि स्पीड ब्रेकर जब आता है तो फर्स्ट गियर में आना पड़ जाता है, एंड दैट इज नॉट हैपनिंग विद मी एट लीस्ट फॉर नाउ. सो वी आर नाउ ऑलमोस्ट देयर एट द सर्विस सेंटर एंड थ्री थिंग्स. वन इज दिस हैजार्ड साइन, व्हाट द हेल इज दैट, आई डोंट नो. सेकेंड इज चेकिंग द चेन, चेन स्लैक थोड़ी सी लूज लग रही थी. एंड थर्ड शॉकर एडजस्टमेंट, अगर वो हो जाए लेट्स सी. एंड दैट इज द सर्विस सेंटर फॉर यू. कहाँ है सर्विस सेंटर? इसका कहाँ है? आगे एक तो ये हैजार्ड साइन आ रहा है, पता नहीं क्या आ रहा है, ठीक है. दूसरा एक बार चेन की, चेन में मेरे को लग रहा है थोड़ी सी लूज हो गई, वो टक टक आवाज़ कर रही थी चल समय, अभी बिल्कुल ब्रांड न्यू ही है बाइक ना. हाँ, और तीसरी चीज़ इसके पीछे जो शॉकर की सेटिंग है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो सकती है, क्योंकि वो उसमें दो तीन क्लिक्स होते हैं वो हो जाती है सॉफ्ट. यहाँ पे पूरा सर्विस सेंटर नहीं है KTM का, कैसे कैसे सर्विस के लिए करते हैं यहाँ पे ना, प्रॉपर मंडी में है खुद करने. पर यहाँ पे ये रहता है, ये कैंप हमेशा रहता है, तो मतलब कोई ना कोई मिल जाएगा ठीक करने के लिए. हाँ हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, बाकी सर्विस वगैरह जो नॉर्मल वगैरह होता है वो हो जाता है. अच्छा अच्छा, ओके. ये उसका वो डिवाइस है जो क्या बोलते हैं, बॉश टूल बोलते हैं इसको, बॉश टूल, डायग्नोस्टिक टूल. मैं कर दूंगा ये इसको. अच्छा, सो चेन ल्यूबिंग एंड क्लीनिंग दोनों करेंगे हम ना, है ना? उसका 250 कह रहे हो आप? हाँ जी हाँ जी. ओके, ये आपका जैसे सर्विस पे भी होना था, पर आप सर्विस अभी आपका टाइम है. हाँ, तो आप कर लो, मतलब कि नहीं तो आपको आवाज़ दे देगा ना ज़्यादा. अच्छा ठीक है, आवाज़ आएगी इसमें, सर 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 करके आवाज़ आएगी, फिर आपको सिग्नल लगेगी ना. सो एक्चुअली ये जो सर्विस सेंटर है दिस इज फॉर बजाज, एंड यहाँ पे एक कैंप सा लगता है जहाँ पे KTM का एक बंदा आता है सर्विस वगैरह करने के लिए. सो दिस इज इन बुंटर, मेन सर्विस सेंटर इज इन मंडी. सो जब आई थिंक 1000 किलोमीटर्स होंगे तो सर्विस वाला बंदा यहाँ पे जो आता है नॉर्मली उससे सर्विस करवाएंगे. अभी फिलहाल चेन ल्यूब एंड क्लीनिंग करवा रहे हैं, क्योंकि 600 किलोमीटर्स के बाद तो ऑब्वियसली ज़रूरत पड़ती है किसी भी बाइक में, एंड मैंने करी नहीं अभी तक. अपार्ट फ्रॉम दैट वो एरर तो ठीक नहीं हो रहा, वो अगेन सर्विस पे ठीक होगा मे बी 300 किलोमीटर्स बाद. एंड शॉकर एडजस्टमेंट करेगा ही नहीं बंदा, क्योंकि अभी वो मेन KTM वाला बंदा है नहीं, तो एसेंशियली कुछ नहीं हुआ सिवाय चेन ठीक करने के. अभी So out of the three, only one thing was done. That is the lubing and cleaning of the chain. Costed 250 rupees only. थोड़ा सा महंगा है, अगर चेन वेन घर, चेन ल्यूब वगैरह क्लीनर वगैरह घर पे होता तो हो जाता, बट एनी वेज स्लैक जो था वो मुझे ठीक कराना था मेन, वो तो हो गया. एंड ये जो हैजार्ड साइन है ये नहीं जा रहा है, एज यू हर्ड कुछ तो इच्छू है. आज वो बंदा है नहीं जो मेन KTM की बाइक्स देखता है इस मेकशिफ्ट सर्विस सेंटर में, बट कुछ है भी तो ठीक है, कुछ नहीं होने से कुछ तो होना बेटर है. तो अगली बार अगर फ़ोन करके आए तो समथिंग वुड बी अवेलेबल हेयर. सो वी आर राइडिंग राइट अलॉन्ग साइड द ब्यास रिवर, एज यू कैन सी ऑन माई राइट, एंड वी हैव टू गो ऑन द अदर साइड and go up the twisties to reach home.